वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, अज के इस प्रोग्राम दे विच जिहड़ी जानकारी मैं आप समूह संगत नाल सांझी करन जा रहा, मैं आप समूह संगत नूं बेनती करना चाहांगा सब तो पहला तो भी अज के इस प्रोग्राम नूं बहुत ध्यान दे के आप भी सुनना तुसीं ते होरना सिख संगतां नाल भी वध तो वध शेयर जरूर करना जी, क्योंकि अज के इस प्रोग्राम में जिहड़ी मैं जानकारी तुहाडे नाल सांझी करन जा रही हूँ, जानकारी ये आ भी अक्सर तुसीं यूट्यूब के उपर, सोशल मीडिया के उपर, फेसबुक के उपर अक्सर तुसीं देखिया होना है कई सज्जना वल्लों ना जी लोगों के व्यू इकट्ठे करन वास्ते वो की करते आ, गुरमत के नाम के उत्ते सिख संगतां दे विच जिहड़े आ वो वहम भरम का प्रचार कर रहे हैं। प्रचार किस पक्षों कर रहे हैं, कई बार तुसीं देखिया होना है यूट्यूब के उत्ते ऐसिया ऐसिया वो वीडियो जिहड़ियां वा वो पिक्चराइज करके संगत विच रखते हैं जी, तुसीं आ शब्द का पाठ तुसीं इन्ने लख वारी करो, इस विधि दे नाल करो, तुहाडे सारे कष्ट दूर हो जाणगे, तुहाडे रोग चले जाणगे, तुहाडे घर सुख आवेगा, तुसीं इह जिहड़ा पाठ आ अपने घर दे विच लगा के रखो, देखियो फिर गुरु साहिब दी किन्नी रहमत होएगी, तुहाडे घर खुशियां खुशियां आणगियां। इस ढंग तरीके दे नाल गुरमत सिद्धांतां दा घाण करदिआं होइआं गुरु साहिब की पावन बाणी तो उल्ट जा के गुरबाणी की जिहड़ी विचारधारा वा इस विचारधारा तो एंटी हो के संगत विच वहम भरमां दा प्रचार कर रहे हैं। मैं आप जी नूं अज दे इस प्रोग्राम राही केवल सुचेत करना चाह रहा भी देखो एक गल याद रखो सत संगत जी, गुरु साहिब जी की जिहड़ी पावन बाणी आ, देखो चलो इहदे विच कोई दोरावां नहीं, जिहड़ा बंदा गुरु साहिब की पावन बाणी का उल्टा आसरा लैंदा गुरु साहिब की पावन बाणी नूं जिंदगी का आधार बनाउंदा है, उहदे जीवन दे विच सुख जरूर आउंदे आ। पर सतगुरु सानूं इह गल वी दृढ़ करवाउंदे आ वी सिखा इस गल नूं वी कदी भुल्ली ना, दुख अते सुख तेरी जिंदगी दा इक अटूट अंग ने। जेकर तू इह गल सोचे ना वी तेरी जिंदगी च हमेशा सदा बहार सुख ही सुख होण, ऐसा नहीं हो सकता। तुसीं आप देखो जिहड़े गुरु साहिबाना ने ये पावन बाणी नूं उच्चारण कीता, गुरु साहिबाना दे अपने जीवन विच वी किन्ने दुख आए, गुरु साहिबाना दे अपने जीवन च दुख आए, पर गुरु साहिबाना ने दुखां दा डट के मुकाबला कीता। देखो साडे जीवन च वी दुख आउणे आ ते गुरु साहिब ने सानू वी इह गल सिखाई है वी दुख आवे पर दुख विच रब नूं नहीं विसारना, रब नूं याद रखना, रब नूं भुलना नहीं आ। जदों असीं दुख दे विच प्रभु नूं याद रखते हाँ एक साडे अंदर एक ताकत पैदा होंदी है, एक एनर्जी होंदी है, असीं दुख दा मुकाबला करते हाँ, दुख नूं असीं फेस करते हाँ, दुख नूं फेस करन दी ताकत सानूं गुरु साहिब दी बाणी तों मिलती है। तो जदों गुरु साहिब दी बाणी तों सानूं दुख नाल फेस करन दी ताकत मिलती है ना जी, फिर उस समय सानूं फील होंदा है वी जिवें हुण दुख रह ही नहीं गया, हुण मेरे जीवन विच आत्मक आनंद बन गया है, सुख बन गया है। जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख पी तुझे ते आई, जे भुख दे ता इत ही राजा, दुख विच सूख मनाई। ये साडे गुरु साहिब दी पावन बाणी दा उपदेश आ। ते जिहड़े लोग जिहड़े आ अपने व्यू इकट्ठे करन वास्ते भी चाली पाठ करो, तुसीं आ जिहड़ा शब्द आ पढ़ो तुहाडे आइलट्स दे विच जिहड़े आ, हुण क्योंकि साडे बच्चे जिहड़े आइलट्स दा एग्जाम देंदे आ ते ओह प्रचार कर रहे हुंदे केवल अपने व्यू बनाउण वास्ते भी तुसीं आ शब्द दा पाठ करो, देखो जी तुहाडे आइलट्स विच 7 बैंड आउणगे, तुहाडे आइलट्स विच 9 बैंड आउणगे। भरावो एक गल याद रखो, बेशक ते मैं ये नहीं तुहानू आखांगा तुसीं महाराज दी बाणी ना बाणी पढ़ो, पर बाणी दे नाल ना जिहड़ी स्टडी आ उह स्टडी तां बच्चे नूं करनी पएगी ना जी। साडे गुरु साहिब ने भी तां सानूं इही सिखाया ने वी भलिया इह गल याद रख, तैनूं मेहनत करनी पैणी आ, तैनूं उद्यमी बनना पैणा है, उद्यम करेंदे आ जीओ तूं कमावदे आ सुख पहुँच। सतगुरु इह नहीं कहिंदे वी केवल तूं शब्द दा जाप कर ते हुण तेरे घर दे विच धन दौलत दे ढेर लग जाणगे, उद्यम करना वा, मेहनत करो, उद्यम करो, तुसीं पढ़ाई करो। हाँ ठीक आ, तुसीं गुरु साहिब दी बाणी दा उल्टा आसरा लो, सहज पाठ रखो, गुरु साहिब दी पावन बाणी दा सहज पाठ करो, गुरु साहिब दी बाणी नूं विचारो, पढ़ो, अपनी जिंदगी विच धारण करो, कर्म गुरु साहिब दी पावन बाणी मुताबक करो। हाँ बाकी दुख सुख जिहड़े आ, हाँ ये ठीक आ, ते जीवन दे विच बनने आ, ये साडे जीवन दा अटूट अंग आ। हाँ किसी का दुख जिहड़ा दूर हो जाता, किसी के दुख दे विच लंबा समा उहनूं दुख नूं फेस करना पैंदा, ये तो संसार आ, संसार विच इदां ही जिहड़ा वा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭਾਈ,
मैं कभी किसी को सुजैसट नहीं करता भी तुसी 40 पाठ करो या तुसी 1 लाख पाठ करो। देखो जदों भी रब नूं ते होना है गुरु की बाणी पढ़नी, कभी भी गिनती मिनती के चक्कर विच नहीं जे पैना भी मैं 40 करने आ, मैं 30 करने, मैं 21 करने आ, मैं इन्नी माला करनी आ। वह भलेओ मैं हमेशा बेनती करता हूँ, जिहड़ा रब जिहड़ा गुरु पातशाह सानू कभी तोल मोल के सानू कभी गिनती मिनती करके दुनिया के सुख नहीं देंदा, दुनिया के धन पदार्थ नहीं देंदा, जदों भी देंदा वह अथाह देंदा वा, कभी वह साढ़े सुखां दा तोल मोल नहीं करता, गिनती मिनती नहीं करता। जिहड़ा परमेश्वर सानू जन्म तो लैके मरण तक बेशुमार बेअंत दातां दे रहा है, जिन्हें कभी दाता देन वक्त गिनती मिनती नहीं की, असी उदा नाम लैन लगे हाँ, उस गुरु की बाणी पढ़न लगे, क्यों गिनती मिनती करिए। बाकी सारी गुरु साहब की पावन बाणी जी एक समान अंतर आ जी, ये नहीं भी आ स्पैशल शब्द आते जाप करन दे नाल तुहाडे जीवन के दुख जिहड़े रोग ने ज़्यादा कट्टे जाणगे। गुरु साहब की पावन बाणी सारी एक समान अंतर आ। सतगुरु की पावन बाणी चाहे जपजी साहब का पाठ कर लो, चाहे सुखमनी साहब की बाणी का पाठ कर लो, चाहे कोई भी बाणी का जाप तुसी कर लो, सारी बाणी पाई एक समान अंतर है। सो इस वास्ते भावना बना के अखीर नूं गल मुकदी तुहाडी भावना ते, तुहाडे प्रेम भाव के उत्ते। जैसी तुहाडी भावना होएगी, जैसी तुहाडी मनशा होएगी, वैसा ही फल जिहड़ा है तुहाडी चोली च पैना है। बाकी ये सोशल मीडिया के उत्ते जिहड़े प्रचार अजकल चल रहा है, ये भरम भुलेखे विच पाउण वाला, गुरमत सिद्धांत का घाण करन वाला, इन्हां तों भाई हमेशा सुचेत रहा करो। गुरमत सिद्धांतां वाली वीडियोज़ प जिहड़ियां ने उही देखिया करो। सारियां सिख संगतां दा तहि दिलों धन्नवाद है। जे अज दे विचार तुहानूं चंगे लगण, लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, तो बाद जिहड़ा है वह कमेंट करके अपने विचार भी तुसीं जरूर देने आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।